मैं आपकी खिदमत में सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूँ। एक तो मेरी अर्ज है मौजूदा स्थानीय के हवाले से, हमें इस मामले पर कतई दिफाई पोजीशन में नहीं आना चाहिए, हमें इस वक्त खुलकर बात करनी चाहिए और हमारी बहुत बड़ी ताकत ऐसी मौजूद है जिसकी कुछ उलमा भी हैं, ताजिर बरादरी भी है। हमारा पाकिस्तान ये शिया स्टेट नहीं है, हमारा पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है और हमें सुन्नियत की बुनियाद पे हुकूमत से खुलकर बात करनी चाहिए। हम हुकूमत से कहते हैं इनके यहाँ अगर जुलूस इबादत है हमें इतराज नहीं है, रुख बदलें, जंजीर जमीन इबादत है, हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे जंजीर हुकूमत इनको दे, ये मारे बुद्ध को, लेकिन इमाम बार गांव में मारे, हमारी मस्जिद हमारे मदरसे के सामने न मारे। अगर इनके यहाँ पीटना इबादत है हम हुकूमत से देंगे इनको पीटने के लिए जवाब भी दे, मैदान भी दे, अपना खून बहाए, हमें खुशी है, हम नहीं चाहते हम इनको मारे, हम चाहते हैं खुद अपने आप को मारे, हमें इसको खुशी हो। मैं अगर गुजारिश करूँ कि हमें एक तो संजीदगी से सानिय तरीम कुरान के हवाले से गौर करना चाहिए, इसको बहुत लंबी बलान की वजह से इस सानी को मौखर नहीं करना चाहिए। 10 मुहर्रम का हादसा हो गया, 40 का फिर जुलूस है, अगले साल फिर जुलूस है, जामे मिनोरी टाउन में जब मुफ्ती अहमद रहमान से रहमतुल्लाह रोड पे निकले थे, मैं जामे मिनोरिया में पढ़ता था, हजरत करीम साहब काम कर गापन जहाँ थे सहरसा का तालिब इल्म था, हम हजरत के साथ उस जुलूस में खुद शरीक थे। हजरत मुफ्ती अहमद रहमान साहब अपना सीना तान के खड़े हुए, फौजी का गोली का आर्डर है और मैं सबसे पहले गोली मैं कहूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहा यहाँ से जुलूस नहीं गुजरने दूंगा। मुफ्ती अहमद रहमान साहब जैसा बंदा कदम उठा सकता है तो मुझे और आप जैसे लोग कदम क्यों नहीं उठा सकते। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमें थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना चाहिए, और जैसे बेहतराम का खेल फरमा रहे थे, सच्ची बात यह है हम ये समझते हैं फिदा हमारे हक में है, अगर इस मुराद देवबंदी और बक्कर तबका है फिर तो हमारे हक में, अगर इस मुराद मीडिया का तबका है तो फिर फिदा हमारे हक में नहीं है। उन लोगों ने फिदा बना ली है, मौलाना शरीफ साहब तशरीफ फरमाए उन्होंने ऐसी बात नहीं फरमाई, मैं यकीन से गलत नहीं फरमाई होगी, लेकिन पता है तस्कर क्या दे रहे हैं, मौलाना साहब इसी चक में तकरीर कर रहे थे, शिया इश्तिहार में आगे शरीफ है होंगे, अब लोग कहते हैं इसी चक में ना बोलते ना, जब बोलना तो लड़ाई होनी थी, अब मना मोहन बात फरमाई न ऐसी बात है, हमारे खिलाफ बात चली गई ना, हमने ऐसी बात नहीं। मैं खैर एक तो बड़े इख्तसार से गुजारिश कर रहा हूँ, हमें सानिया के हवाले से जो मंदाना कदम उठाना चाहिए, हमें हुकूमत को बात बतानी चाहिए कि सुन्नी स्टेट है शिया स्टेट नहीं है, और हम किसी हाल में भी इस मुल्क को शिया स्टेट नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि मैं हजरत कायदे जमीयत दामत बरकातहू की मौजूदगी में हजरत के हवाले से एक दोबारा अर्ज करता हूँ, अगर हम पांच बातों का इंतजाम कर लें तो मेरा ख्याल है जो बंदी मुतहद है मुश्किल काम नहीं। नंबर एक, जैत और मुस्तनद उलमा पे हमारा फिकी बोर्ड बन गया, उस फिकी बोर्ड की राय सारे मसले के देवबंद की राय, अब मेरी राय अलग होती है, इनकी अलग होती है, हर जमात की अलग है, हमें उसमें ना बुलाएं, हमें इतराज नहीं है, दारुल कराची हो, जामा फरुकिया हो, बिनोली टाउन हो, या जो बड़े बड़े मदारिस हैं, मौलाना है मुफ्ती उस्मानी साहब हैं, मौलाना इस्माइल हक साहब हैं, जो आजाद भी हैं, एक फिकी बोर्ड ऐसा तय हो जाए जिसकी राय पूरी मसले के देवबंद की राय हो। अगर हमारे पास फिकी बोर्ड के लिए इतने उलमा भी नहीं है तो फिर हमें पूरे मदारिस पे अपने ऊपर मातम करना चाहिए कि हमारे पास कोई फर्ज भी नहीं है। खुद कुछ हमले की बारी आती है, बरेलवी मुतफिक गलत है या ठीक है मुझे इससे बहस नहीं है, हम देवबंदी मुतफिक नहीं, ये वजीरस्तान वाना का मसला है, शिया देव मुतफिक है, हम नहीं, हम मुतफिक नहीं है, हम अपना फिकी बोर्ड बनाए जिनकी राय हम सब की राय। दूसरी मेरी गुजारिश ये है निज़ाम तालीम को मजबूत करने के लिए हमें हर हाल में वफाक को मजबूत करना चाहिए, और इस्लामी निज़ाम के लिहाज के लिए हमें जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत करना चाहिए। इलेक्शन के मौके पे सारे मदारिस और सब अदालत को मिलकर जमीयत की कैंपेन चलानी चाहिए ताकि असम्बली में हमारे MLA MPS सेनेटर हमारे हों, असम्बली की आवाज़ हमारे साथ हो। मैं इसलिए गुजार तीसरी मेरी गुजारिश ये है मौलाना फरमान साहब ने मुस्कुराते बात फरमा दी, आप सब ने हाथ खिताब दी, हर बात को मुस्कुराना हंसना न समझो, मैं जमीयत या कहीं कुरान में खड़ा हूँ
मैं ये चाहता हूँ कि हयात ममात का मसला खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके लिए मुआवजा भी नहीं है, फटा भी नहीं है, तकरीर भी नहीं। कारी मोहम्मद तैयब कासूरा रहमतुल्लाह हमारे बड़े थे, शेख कुरान मौलाना गुलाम उल्लाह साहब रहमतुल्लाह हमारे बड़े थे, काजी नूर मोहम्मद बड़े थे, मौलाना मोहम्मद जिलत भी बड़े थे, जिस पर उन्होंने दस्तखत फरमाए इनका काबिल मौजूदगी में हम भी दस्तखत करें और बहस खत्म करें। आप तय फरमाते हम मुनाजरे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, हम छोड़ते हैं इस लड़ाई को, मौलाना की मौजूदगी में हम दस्तखत करते हैं। मैं सबसे पहले पैर में लगता हूँ, मुनाजरे खत्म करें, लड़ाई खत्म करें, इकट्ठे हों। मैं हैरानगी इस बात पर है हम इकट्ठा होना चाहते हैं, हमारे काबिल में इकट्ठे करता नहीं। मौलाना इस्लाम साहब आप तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, लड़ाई खत्म हो गई। अब बताएं अगर इकट्ठा इन्होंने करना है या हमने इकट्ठा होना है, हम तो तैयार हैं इकट्ठा होने के लिए। मैं कैसा से गुजारिश कर रहा था आप जरा दूर से हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं, हमें बुलाकर समझाते नहीं, ना समझाते हैं। ये सिपाही बैठे हैं, ये हमारे हैं, आप इनको बुलाएं समझाएं, ना समझे भी तो हमारी बात को मानते हैं, लेकिन बुला मैं बात खत्म करता हूँ। मेरी गुजारिश ये है फिकी बोर्ड बनाएं, जमीयत को समझी में लाएं और साथ की बात को तय फरमाएं, और मसला हयात का निजाम खत्म करने के लिए जिस तहरीर पे शेख उल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह दस्तखत फरमाए थे उस पर हम फरीकन दस्तखत कर दें। जो करें वो आपका है, जो नहीं करता उसको खारिज कर। अगर पता चले कि लड़ता कौन है, लड़ाई खत्म कौन करना चाहता है, अल्लाह ने सब किया अपने मसले के तहफ़ करने के लिए काबिल का साथ देने की तौफीक अता फरमाए।